हेलो स्टूडेंट बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लास 3 में अध्याय 4 में मन करता है कविता पढ़ाया और समझाया। आशा है आप लोगों ने इस कविता का अच्छी तरह से अध्ययन किया होगा और अब तक आपने उसे कॉपी में लिख लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। अब मैं आपको उस पाठ से संबंधित शब्दार्थ बताने जा रही हूँ। जैसे अकड़ मतलब कड़ापन, धांस मतलब रौब, शोर मतलब हल्ला करना, मीठे बोल मतलब मधुर वाणी, चरखी पहिए की तरह घूमने वाली वस्तु। प्रश्न उत्तर, आपको मैं उस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर भी बताने जा रही हूँ। जैसे कि प्रश्न एक है, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों, घर में कौन धौंस जमाता है और स्कूल में कौन धौंस जमाता है। तो घर में मेरा बड़ा भाई मुझ पर धौंस जमाता है, इसके पीछे बस यही कारण है कि वो मुझसे बड़ा है। दूसरा है स्कूल में, स्कूल में कौन धौंस जमाता है, तो मॉनिटर धौंस जमाता है सारे विद्यार्थी पे अपना रौब दिखाने के लिए वो अपना धौंस जमाता है। प्रश्न दो, तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है। उत्तर, जब भी ऊंचे और खुले आकाश में बिना किसी रोक टोक के चिड़िया को उड़ते देखता हूं, तब मेरा मन भी चिड़िया बनने को करता है। प्रश्न 3, कौन किस पर अकड़ जमाता होगा। आसमान में, खेल में, जंगल में, स्कूल में, नदी में, घर में। उत्तर, आसमान में, आसमान में चंदा तारों पर अकड़ जमाता होगा। खेल में कौन करता है अकड़ जमाता है, तो कप्तान खिलाड़ियों पर। जंगल में कौन अकड़ जमाता होगा, तो शेर दूसरे जानवरों पर। स्कूल में कौन धौंस अकड़ दिखाता होगा, तो बड़े विद्यार्थी छोटे विद्यार्थी पर। नदी में बड़ी मछली छोटी मछली पर। घर में घर के मुखिया घर के अन्य सदस्यों पर। मूंछ, यहाँ तुम्हारे लिए एक मूंछ बनी हुई है। कुछ मूछें तुम्हें अपने से बनाना है और सभी मूछों को अपने मन से नाम देना है। जैसे यहाँ एक उठी हुई मूछ बनी है और एक गिरी हुई मूछ बनी है और एक सीधी मूछ बनी है। तो बच्चों, आपको क्या करना है, शब्दार्थ को और प्रश्न उत्तर को साफ साफ अक्षरों में कॉपी में लिख लेना है और इसे याद कर लेना है। धन्यवाद।